पानीपत में हरियाणा रोडवेज के DI के पद पर तैनात कपूर सिंह व एक अन्य साथी सहित कई लोगों पर पानीपत के बस डिपो में तैनात परिचालक कुलदीप की पिटाई करने का मामला सामने आया है। कुलदीप ने आरोप लगाया है कि वह अपने किसी काम से DI के पास गया था, लेकिन DI ने उसे नाराजगी जताते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया व अपने साथियों सहित उसकी पिटाई की, जिससे वह घायल हो गया। घायल कुलदीप को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की सूचना पाकर रोडवेज यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे व गेट पर ताला लगाकर आलाकमान से बात की। बोले सर, हमने साइन कर रखे हैं, साइन हमारे चलेंगे, डेट डाल रखी है, तो मोर नहीं हमारे पास, मोर मारने का कोई जरूरी नहीं है, तो मैं चला गया हूँ। आप तो उन्होंने पर्ची दोबारा, फिर मैं DI सेक्शन में पहुंच गया तो उन्होंने मेरी पर्ची भगा के मारी, बोले बाहर यहाँ से बाहर निकल। मैंने ये बोला हाँ आज दोबारा, इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया। उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, यहाँ पे चोट लग गई मेरे को, गर्दन पे, मुंह पे, हाथ पे लगे। तो मैं बोला सर मार कैसे रहे, मैंने अपने DRI मांगे हैं और कुछ तो नहीं मांगा। उन्होंने कम से कम उसके साथ 10-12 जने थे, बाहर से थे वो, मैं नहीं जानता उनको। एक पीटने में DI कपूर चंद, ड्यूटी क्लर्क बलजीत, राम निवास जो कुरुक्षेत्र डिपो से इंचार्ज है, यहाँ पे स्टैंड इंचार्ज पानीपत के अंदर, उन्होंने मेरे को मारा है। मैंने अपने बचाव के लिए उठाया है, मैंने अपना हाथ भी उठाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ज़्यादा होने की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मारे हैं। DI सेक्शन का जो साइड वाला कमरा है ना, उनमें गिर के मेरे को बहुत ज़्यादा मारा है। मैंने अपने बचाव करके वहाँ से भागे, मैं चौकी में गया। और वो कह रहा है कि मैं मंत्री का आदमी हूँ, तो कब तक बच करेगा, तेरे को मत लौटा तक नहीं पहुँचने दूंगा, ये बात कही है मेरे को। बोला तेरे को बाहर नाइट पर लगाऊंगा, तब कैसे बचेगा। ऐसा था कल कोई छुट्टी लेने के ऊपर है, वो हमारा परिचालक था, उसने DR बन रहे थे, DR लेने की बात में जो इलेक्शन में कही, उन्होंने कहा TM साहब ले ले, इलेक्शन का टाइम हो, TM साहब अलाउड करवा लिया। उसके बाद फिर यहाँ भी ले कम बत्ती रेस्ट होने का क्या सुनी होगी और मार पिटाई की बात आएगी। परिचालक का इनको ड्यूटी सेक्शन में लड़ाई झगड़ा, फिर मार पिटाई, टोटे लगे उसके, उन्होंने बात सुनो है। हमें पता लगा अभी तुरंत जैसे ही हम उसको मिल गए अस्पताल में, देखा तो लग रही, फिर यहाँ कर्मचारी में ज्यादा गुस्सा था, गेट बंद कर दिया। फिर हमें GM साहब से बात करी और TM साहब मौके पर आ गए थे, और दो BI और ड्यूटी क्लर्क दो थे जिन्होंने उसके साथ झगड़ा किया था, उनके बदलाने की बात होगी, यहाँ से बंद किए जाएंगे। और इन आपस में जो उन्होंने बताया था, हमने दूर करा दिया, तीनों यूनियन बैठ कर TM साहब बीच में समझौता करा दिया। कोई किसी प्रकार का अब हमारा मनमुटाव नहीं है, सारी गाड़ियाँ सुधारों से चल रही है, और जो दरखास्त दे रखी चौकी में उनको उठा लिए जाएंगे। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।